5, 4, 3, 2, 1! Happy New Year, Mama! पीछे हटो, चलो साइड में हटो, लाइन में। हमने फैसला किया है, दारू, नॉन वेज, लड़ाई वड़ा ये सब छोड़ देंगे और लाइफ में ना सेटल हो जाने की कोशिश करेंगे। डिसाइड कर लिया है, ठीक है भाई। लेकिन 2019 में देख लेना तुम लोग, ये सारी बुरी आदत छोड़ के अपन फैमिली के साथ एकदम केयर फ्री, टेंशन फ्री लाइफ जी रहे होंगे। लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और ये दारू के भट्टी वाले की कसम, नए साल में एक भी बुरी आदत नहीं ले जाऊंगा। कन्ना, बॉलर टूटने से पहले अगर उसने गोल्डन ड्रॉप देख लिया तो? तेरा गोल्डन ड्रॉप गोल्डन हेल्थ से ज्यादा जरूरी है? हा? हा? हमने सबकी भलाई के लिए बलिदान दे दिया और तुमने वो एक बूंद में सब खराब कर दिया। मेरे पूरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की वाट लगा डाली। हे बियर, बियर खोलो, एक बोतल खोलो, ला, ला। ये क्या भाई? हा? इसने दो बूंद पी ली ना, तो इससे हमारा क्या मतलब है? ए, तू निकल यहाँ से। हम दोनों दोस्ती में एडजस्ट नहीं कर सकते, तुझे लड़ना है क्या? जा, जा। कौन मरेगा और कौन मारेगा ये मैं कल बताऊंगा। हैप्पी न्यू ईयर है एडे, हैप्पी न्यू ईयर। तू बोतल ले ला। बकवास न्यू ईयर है, अब दारू कब छोड़ेंगे? किस्मत ही खराब है। क्या संक्रांति के बाद छोड़ते ना? एकादशी के बाद बकरीद आएगी, क्रिसमस मिस हो गया तो जन्माष्टमी आएगी। हम कितना भी बोल ले मगर हमारे शौक हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर ही देते हैं। अरे मुझे कुछ याद आ गया। क्या क्या पर्सनालिटी है? तेरी बॉडी कैसी है और तेरी प्यास कैसी है यार? जब मेरे ग्रह सेट हो जाएंगे ना वो लड़की खुद चल के दरवाजे तक आएगी। दुर्गा जी। ये तो वही। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सर आप मेरी फैन है? हाँ सर। कैन वी बी फ्रेंड्स प्लीज? डीजे बिल्कुल डैडी जैसा दिखता है। दुर्गा को देखकर भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था। रियली? पर मीनू हमारे जैसे लोग किसी से प्यार करें तो उसके पीछे क्या रीजन होता है पता है तुझे? कि उनका लुक एटीट्यूड हमारे पापा से मैच होना चाहिए। कांट अग्री मोर। पर मीनू ये सब मर्द पता है, दे प्रेजेंट द बेस्ट फर्स्ट इन द फर्स्ट एंड वर्स्ट इन द लास्ट। हेलो, व्हाट डू यू थिंक डीजे इज? ऑल्दो डीजे एक बहुत बड़ा स्टार है फिर भी प्यार के बारे में उसका ओपिनियन पता है तुम्हें? उससे शादी करने की हिम्मत है ना तभी प्यार करना, क्योंकि फिर जिंदगी भर उसके साथ रहना पड़ेगा। जब भी किसी से प्यार करो ईमानदारी से करना, समझे क्या? सोशल मीडिया उसे पसंद नहीं है, ना गॉसिप करना, ना हैंग आउट करना, अटेंशन और पब्लिसिटी उसे बिल्कुल नहीं पसंद। ओ, तो वो मेल वर्जन ऑफ मीनाक्षी है जिसे तुम विदाउट पासवर्ड वाईफाई समझती हो। यस। मेरी बहना किसी को आसानी से प्यार मिले तो वो कुछ ही पलों के लिए साथ रहता है। इम्पॉसिबल। प्रूव इट। अच्छा लगी शर्त? तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। आई वॉन्ट टू लूज। लव यू मेरी बहना। अच्छा अब बताओ क्या करना है। हाउ टू लूज अ गाय इन 10 डेज, वो फिल्म याद है? हाँ। सीन्स चेंज करके सेम कंटेंट के साथ चलो। बॉयफ्रेंड को टॉर्चर करूँ क्या? ओह गॉड, हाउ कैन आई डू दैट? अगर वो तुम्हारे टॉर्चर को भी झेल ले तो वो तुम्हारी खुशी की वजह बनेगा। शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, उसे निभाना पड़ता है। डन। मैं डीजे का टेस्ट लूंगी, तुम्हें हराने के लिए नहीं, खुद को जिताने के लिए। बॉस। आ जाओ। चलो।
हमेशा तुम सबको भगाते हो, पर आज तुम्हें कौन भगा रहा है मामा? मुझे सेफ्टी चाहिए। अरे अरे ये कैसे पकड़ा गया? हम इसे नहीं मार सकते, इसलिए हम उसके साथ हाथ मिला लेंगे जो इसके पीछे पड़ा और इसे मार देंगे। तुम्हें सेफ्टी चाहिए मामू, तुम हिरन हो और मैं शेर हूँ। किडू सेफ्टी सेफ्टी। क्या हुआ अंकल? विशु विशु दुर्गा, क्या तुम मुझे अपने रूम में ले चलोगे प्लीज? अरे वाह, मुबारक हो। मैं सोच रहा था इतनी जल्दी बच्चे क्यों करने, सेफ्टी चाहिए थी ना। ये लो रख लो। बस एक ही है। चलो फर्स्ट टाइम है ना, ओके एडजस्ट कर लूंगा। या सेफ्टी मतलब ये? अरे अरे अरे, भूल गया मैं। अच्छा करना भाई, वो क्या डायलॉग मारा था आपने कि तुम शेर हो? अबे जो दौड़ा दौड़ा के शिकार करता है वो शेर होता है, पर जो पहले से दौड़ती हुई चीज के पीछे भागता है उसे डॉगी कहते हैं। घर पे जाके वीडियो देख लेना। तेरा प्रोग्राम जरूर बर्बाद होगा। अरे यार बद्दुआ दे दी, अगर मेरे प्रोग्राम में कुछ हुआ ना तो मैं तेरे साथ प्रोग्राम करूंगा। लाइट्स क्यों ऑफ है? ऑन करो ना। यहाँ इतनी कलरफुल लाइटिंग है तो मूड बन जाएगा ना, इसलिए। मैंने सुना है लड़कियां फर्स्ट टाइम थोड़ा शर्माती है ना। शर्म तो आ रही है पर मुझे तुम्हारे इमोशंस और एक्सप्रेशंस देखने हैं। इससे तुम्हें मजा आता है क्या? हाँ, आफ्टर ऑल प्यार मायने रखता है। हम स्टार्ट करें क्या? वैसे क्या स्टार्ट करना है? मैं स्टार्ट करूंगी। क्या बात है दुर्गा बेटा, तेरी तो निकल पड़ी। सही है, तुम स्टार्ट करो, मैं लेटता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ? नीचे। अब तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, ऊपर से स्टार्ट करो। यू मीन फ्रॉम द टॉप? तुम बोर नहीं होगे? हाँ बोर तो नहीं होगा, फर्स्ट टाइम है ना तो मुझे काफी एक्साइटमेंट और शर्म आ रही है। एक लड़का था विक्की। विस्की? विक्की वो मेरा जिम ट्रेनर। ही इज गॉट सिक्स पैक्स यू नो, इंस्टा पर उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अभी हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं बेबी? तुम्हें क्या हुआ? मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। उसी मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, मैं समझ गया। तुम्हें ट्रेन करते हुए स्टॉक कर रहा है ना, तुम उसे पसंद नहीं करती हो ना? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं ही उसके पीछे पड़ी हूँ, वो मुझे भाव नहीं देता। मेरी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ एक सिक्स पैक्स वाला बॉयफ्रेंड होगा, जस्ट इमेजिन। अरे रे 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 रे। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड हो जाएगा, पर वो बेवकूफ समझता नहीं है। एक पैक बना के तुम्हारी स्टोरी सुनूं क्या? श्योर। मेरे लिए भी एक। नो सोडा नो वाटर। ये क्या है यार, सब पहले से ही दारू छोड़ चुके हैं और तुम फिर से दारू लेकर आए हो। जितना ज्यादा दर्द हो उतनी ज्यादा पीनी पड़ती है यार। इसका मतलब तुम्हारा प्रोग्राम खराब हो गया? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बस एक पॉपुलर गुंडा हूँ, है ना? ऑफ कोर्स। लेकिन क्या तुम्हें सही लगेगा अगर मैं उसे जाके धमकाऊं और फिर वो तुम्हारे प्यार में पड़े? ऐसा प्यार सच्चा प्यार होता है क्या? नहीं नहीं, उसे धमकाने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड? उसकी गर्लफ्रेंड है? फिर भी तुम्हें पसंद है? लेकिन काय को
लव। सच बोलो ना। सिक्स पैक्स। अगर तुम उस लड़की को डरा दोगे ना, तो फिर वो लड़का अपने आप मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मेरे फॉलोअर्स डबल ट्रिपल 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 ट्रिपल। फेसबुक के फॉलोअर देख के कोई प्यार करता है क्या? उसका कैरेक्टर, उसके पैसे, उसकी आदतें? नहीं नहीं, वो सब क्यों? तो फिर सिक्स पैक्स। You hate love? तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। आज के जमाने में पुराने स्टाइल की लड़कियां चाहोगे तो कैसे चलेगा? चल छोड़, गुस्सा कम हो जाए तो कॉल करना। सुनो, उसे फालतू में कंफ्यूज मत कर देना। अगर सच्चाई बाहर लानी है तो इंटरव्यू इंटरोगेशन जैसा करना पड़ता है। जा इंट्रोड्यूस कर, जा। हाय। हाय। वैसे ये ग्लास किसके लिए है? भाई के लिए, मेरा जुड़वा भाई। ओह, हेलो ब्रदर। अगर मैं तुम्हें पिंच करूंगी तो उसे भी दर्द होगा क्या? नहीं नहीं, हम दोनों तो दिखते भी काफी अलग हैं। पर क्यों? वेल डीजे, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू समवन स्पेशल। कौन? सरप्राइज। हाय। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने इसे कहीं देखा है ना? कम ऑन डीजे, शी इज द वन एंड ओनली वायरल विशालाक्षी। शट अप मीनू। I hate that identity. वो celebrity life सिर्फ वाइजैक तक है। हैदराबाद में I'm just normal Visalakshi, okay? Viral क्या? Viral भी? Wow Visu, तुमने देखा? तुम चाहती थी ना कि दुनिया में कोई तो एक ऐसा इंसान हो जो तुम्हारे बारे में ना जानता, और वो यही है। Hey चीचे, Visu तो तुम्हारी फैन हो जाएगी। Now tell me about you. तुम रोज वर्कआउट करते हो या सिर्फ मीनाक्षी को दिखाने के लिए कर रहे हो? तुम डाउट कर रही हो? कट आउट देखोगी ना तो सारी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। हे डीजे, कम ऑन, शो दैट। क्या? योर एट पैक्स, शो। व्हाट? ए क्या कर रही हो? कम ऑन। हे, क्या हुआ? सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बेबी। क्या डीजे, मेरे कहने पर मेरी बहन को नहीं दिखा सकते? मेरी इतनी ही वैल्यू है। अरे कम ऑन यार मीनू, तुम मुझे एम्बैरस कर रही हो। ओह वाओ, तो अब तुम्हें हर्ट हो रहा है? तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? मुझे मारना चाहते हो? तो फिर मार लो ना। जो किसी लड़की पे हाथ उठाए वो मर्द नहीं होता। ठीक है, ये देखो। हे विसु, देखो। One, two, three, four, five, six, seven. Eight कब बनेगा डीजे? ए विसु, विसु, विशालक्षी। इस जनरेशन की लड़कियां सिक्स पैक्स के लिए पागल हैं। अरे भाड़ में गए सिक्स पैक्स, फैमिली पैक जिसके पास होता है वो फैमिली संभालने के लायक होता है। हे ब्रदर, अगर तुम उसे सच में पसंद करते हो ना, तो उसकी सेकंड वीकनेस है उसकी पॉपुलैरिटी, उस पर वार करो। वाइजैक के सारे हैकर्स को खरीद के विसु के फैन और फॉलोअर को बढ़ा दो। खासकर ऐसे फोटो जिसमें मैं खड़ा हूं, वैसे फोटोज को कम से कम मिलियन लाइक्स मिलने चाहिए। हाय,
ओके। ये लव है या फिर लस्ट है? अगर मैं उसे चांस दूं और फिर भी वो चांस ना मारे तो ये प्यार है, और अगर वो अपनी सारी संस्कृति वगैरह भूल कर चांस मारे तो ये लस्ट है। डीजे, गेट रेडी फॉर द टेस्ट। क्या सेटिंग है, क्या मूड है, बारबेक्यू सेटअप हाँ? क्या हम अल्कोहल और लोगों के बिना सेलिब्रेट नहीं कर सकते? Why not? तुम्हें भी मेरी तरह प्राइवेट लाइफ पसंद है क्या? मैंने सारे सर्वेंट्स को घर भेज दिया है ताकि हमें थोड़ी प्रिवेसी मिल सके। सुपर। ये मुझे क्यों नहीं देख रहा है? अभी देखेगा, 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 देख लिया। पाइनएप्पल और पोटैटो बारबेक्यू में एक साथ मस्त लगेगा ना? After a long time, I've draped a sari. How do I look? मस्त है। मुझे लगा था ये अटेम्प्ट हो जाएगा, पर ये तो अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा। ग्रेप्स और बनानास बॉडी बिल्डिंग के लिए सही होते हैं, तुम्हें पता था क्या? पता था? मेरे बाल ऐसे ओपन ही अच्छे लग रहे हैं, या फिर मैं बांध दूं? ये फ्री स्टाइल ही अच्छे लग रहे हैं। एक बार मैं पोनी ट्राई करती हूँ। डीजे, मैं कमर के पास से मोटी हो गई हूं ना, अच्छा नहीं लग रहा ना इस साड़ी में? मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम एकदम परफेक्ट हो। अरे पहले देख तो लो। एक बार टच करोगे ना तो पता चलेगा। कितना नाटक है तुम्हारा। चल ठीक है। ये सब तो फ्लैश है, फैट तुम्हारा। देखो ये सब तो फ्लैश है, मतलब मसल्स। स्ट्रॉन्ग है। यहाँ थोड़ा फैट है। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। कोई नहीं, कार्ब्स और शुगर्स बंद कर देंगे। 4 दिन स्ट्रेचिंग कर लोगी? अरे मम्मी, मम्मी डैडी, मम्मी बचाओ, बचाओ, मम्मी डैडी, मैं मुझे ऐसे खींचा क्यों? सांस अटक गई ना? It's okay, DJ. Don't feel bad. Are you mad? What okay? I mean, I'm okay. You being okay is also not okay for me. At least हम hug तो कर सकते हैं, right? At least hug? ये कैसी गंदी बातें कर रही हो तुम यार? इतने रोमांटिक एटमॉस्फेयर में अगर हम किस भी करें तो भी गलत। अरे मैं तो टच भी नहीं करूंगा। नो। अरे देखो, नो इज अ नो, यू डोंट नो। अरे वी आर इन अ रिलेशनशिप, हमारी शादी तो नहीं हुई है ना? देखो मेरी पॉलिसी सुनो। उसी को छूंगा जिससे शादी करूंगा, या फिर उससे शादी करूंगा जिसे छूंगा। सेकंड ऑप्शन मुझे अच्छा लगा। शादी करनी है तो छूना पड़ेगा। थू। हमारी ऑर्गेनिक रिलेशनशिप में ये ऑर्गन डोनेशन जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? ठीक है मैं चलता हूँ। ए डीजे, और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ना, ये प्राइवेट प्लेस में नहीं पब्लिक प्लेस में मिलेंगे। गुड नाइट डीजे।